We are Diksha and Kaushik. After the lockdown, we decided to do an all-India trip by our car. We started our journey from Calcutta and will be driving through the beautiful coastlines of India. Come and join us on this adventure. And don't forget to subscribe to our channel, as it is completely free and easiest way to support us travel. Hi guys, welcome back to our channel. I'm Diksha, he's Kaushik, and today we are going to Rameshwaram. Oh my god, finally this ride is happening. And are you excited? I'm excited for that bridge. Yes, I am super excited. Actually, मैंने वो ब्रिज का रियल फुटेज जो देखा था ना, वो मूवी शाहरुख खान की कौन सी थी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, यस चेन्नई एक्सप्रेस. उसके बाद से मैं उस ब्रिज पे जाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ. एंड फाइनली 2-3 साल बाद वो टाइम आ गया है और हम जा रहे हैं. सो गाइज, इफ यू हैवन्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज वी आर सुपर एक्साइटेड टू क्रॉस दैट ब्रिज टुडे. सो लेट्स सी आज हम कितने बजे तक रामेश्वरम पहुंचते हैं. सो लेट्स गो. तो आज जब हम वहाँ से निकले तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे. एक था हाईवे पकड़ के जाने का और दूसरा था ऐसे वादियों के बीच से, पतले वाले रोड से और कोस्ट लाइन से होते हुए रामेश्वरम जाने का. तो कौशिक ने पूछा डिफरेंस कितना है, मैंने बोला 45 मिनट्स का. सो हमने इसलिए डिसाइड किया कि आज तो चाहे जितना भी पतला रोड हो, हम कोस्ट लाइन से ही जाने वाले हैं. हाईवे आज के लिए हम त्याग देंगे. त्याग दिया. और जो मस्त वाली ग्रीनरी और गांव के साइड से जो जा रहे हैं ना, जो फील आ रहा है ना, दैट्स सुपर अमेजिंग. रोड भी सही है, टोल रोड नहीं भी लेके हम लोग गलती नहीं किया है ना. हाँ, परफेक्ट वाला रोड है. हम मस्त ग्रीनरी के बीच से चलते हुए, हाँ कोस्ट लाइन आएगा कुछ देर बाद, उसके होप में जा रहे हैं हम. आएगा. मैप पे तो दिखा रहा है कि कोस्ट लाइन आएगी. अगर नहीं आई ना तो हम कुछ नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते, गूगल जहाँ से ले जा रहा है जा रहा है. बट ये वाला रूट भी बहुत ही खूबसूरत है, मस्त. ये हिमाचल की याद दिला रहा है, नहीं और ये उत्तराखंड की ग्रीन टाइम में. हाँ, जिस बारिश के बाद जो उत्तराखंड में फुल ऑन ग्रीनरी होती है और ऐसे कर्वी रोड पे जाने को मिलता है, एकदम एग्जैक्ट वैसा वाला फील दे रहा है ये रोड. बहुत अच्छा, विद कोकोनट ट्रीज जो वहाँ पे नहीं होता था. अब मिलेगा, ताड़ का पेड़ भी है, कोकोनट भी है, जो चाहिए वो ले लो. और हमें एक्साइटिंग सी चीज़ पता है क्या है, यहाँ इतने सारे लोग बाइक स्कूटी सब कुछ चलाते हैं, कोई बिना हेलमेट के, सब भगवान भरोसे चलते हैं. चिलैक्स लाइफ है यहाँ पे फुल. और हॉर्न भी नहीं रहते यहाँ पे, किसी को जल्दी नहीं है. और दिल्ली में पैं 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 पैं. यहाँ का हॉर्न सिस्टम और बहुत ही डिफरेंट है. और मैं भी जो बसों में लगा रखा है, हाँ उसमें वो मतलब वो साउंड नहीं है कि बहुत कान में चुभेगा. शादी का पूरा हॉर्न बजाने का उसको असाइनमेंट दे दिया है, बस एक एक हॉर्न के साथ वो फुल राइम बजेगी. यार अच्छा है, लाइफ चिल है, खाना अच्छा है, वेदर सही है, टेंशन नहीं है. कल हम एक कॉफ़ी शॉप पे गए थे फिल्टर कॉफ़ी पीने के लिए और वहाँ पे ना हमने ये ऐसे वाले बिस्किट्स खाए थे. वो हमने पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये कोकोनट बिस्किट है, बट ये बिस्किट की तरह है नहीं, बहुत सॉफ्ट है जस्ट, और टेस्ट लाइक मालपुआ, बट ड्राई मालपुआ वैसा वाला टेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग है. और बट एग्जैक्टली अगर किसी को इसका नाम पता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट, बिकॉज हमें नहीं पता. एंड वी रियली वॉन्ट टू नो दैट, बिकॉज अगर कहीं और भी हमें ये वाले बिस्किट मिले तो हम और भी पैक करने वाले. गाइस, हमारे 200 किलोमीटर तो हमने क्रॉस कर लिए फुल ऑन खेत के बीच से, ग्रीन ग्रीन कोकोनट ट्री देखते हुए और दूर दूर तक बैक वाटर देखते हुए हम आ चुके हैं 200 किलोमीटर. और हो रहा है सनसेट, परफेक्ट सनसेट, ब्यूटिफुल सनसेट इज हैपनिंग. और हम अभी बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम आज जाएँ या ना जाएँ, बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम अभी जाएँगे तो पहुँचते 8:30 बजे जाएंगे, राइट. और 8:30 बजने का मतलब है कि वो जो रामेश्वरम का ब्रिज है उसका जो ब्यूटी है ना वो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे. तो हम सोच रहे हैं हम कहीं पे रुक जाते हैं और मॉर्निंग में फिर चलेंगे. गाइस, आई जस्ट स्पोक टू फ्यू पीपल एंड यहाँ पे
बीच में रामेश्वरम पहुंचने के पहले कोई भी ढंग का होटल नहीं मिलेगा, जैसे इनकी ये जो एरियाज़ है ये कोस्टल एरियाज़ है और छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर होटल नहीं मिलेगा जहाँ पे हम स्टे कर सके। तो दे आर एडवाइजिंग कि आप एक काम करो, आप रामेश्वरम ही जाओ, जितना भी लेट होता है 9-10 बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, आप रामेश्वरम तक ही जाओ। धीरे वाले रोड से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोस्ट लाइन देखने का टाइम आया, वो अभी आया था, और कोस्ट लाइन देखने के लिए अभी जाला नहीं है, तो हम ये अंधेरे के साथ रात के 9 बजे तक पहुंचेंगे रामेश्वरम। सो गाइस, फाइनली हमें रामेश्वरम का ब्रिज शायद रामेश्वरम का ब्रिज मिल गया, बट यही है जिस ब्यूटी के लिए हम आना चाहते थे यहाँ। लेकिन यहाँ पे रेलिंग अच्छा है, कल सुबह आपको दिखा देते हैं। कल सुबह दिखाएंगे, कल सुबह हम जितना भी किलोमीटर वापस हम वापस आएंगे, 15 किलोमीटर है ये, 15 किलोमीटर हम वापस आएंगे और फिर से जाएंगे। लेकिन एक बार में निकलते वक्त देखते हैं। नहीं नहीं, हम 15 किलोमीटर करने आएंगे। ओह अच्छा, लाइटिंग भी दे रखी है। बाप रे बाप, सच्चा बिग बम्पर, इतना बड़ा बम्पर क्यों है भाई? क्यों 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 का वो है स्पीड लिमिट, किसी की कोई जल्दी नहीं हो सकता है। अभी तो दिखेगा भी नहीं ट्रैक पे, उसको तो कोई लाइटिंग में नहीं है तो और भी नहीं दिखेगा। वो पूरा कोई बैरिकेडिंग में नहीं है, जहाँ पे वो बंद होता है खुलता है उसी बस, बाकी बैरिकेडिंग नहीं है। दिन गाइस फुल अप्स एंड डाउन के साथ था, और अभी बज रहे हैं 9:30 और हम होटल पहुंचे और यहाँ पे अभी खाना नहीं है, तो हमें अभी बाहर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और बारिश स्टार्ट हो गई, रास्ता नहीं दिख रहा था, ओह माय गॉड, हम लोग उसको पूछ पूछ के कैसे कैसे है ये होटल पहुंचे हैं, और अभी जल्दी जल्दी हमें जाना पड़ेगा कहीं खाने के लिए, अदरवाइज हमें रात को बिना खाए सोना पड़ेगा। और वैसे भी हमने लंच नहीं किया था क्योंकि लंच के लिए कोई जगह ही नहीं मिली टेक्निकली, तो इसलिए अभी हमें खाना खाने जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू गाइज रियली एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गुड बाय। एंड आई एम रियली हंग्री, हमने कुछ भी नहीं खाया है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो एंड फाइंड आउट कि अगर हमें कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।